सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नए वाला फोनपे अकाउंट को आप इजीली बना सकते हैं। और फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि कैसे आप अपने फोनपे अकाउंट को घर बैठे आप इजीली अपने ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हैं इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाला कैसे आपको पैसे ट्रांसफर करना है फोनपे एप्लीकेशन के जरिए एंड आपको कैसे रिचार्ज करना है। आज के इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाला है। तो फ्रेंड, ये वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी तरीके में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, मैंने एक लिंक दे दिया है अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। सिंपल से आपको इधर फोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देन आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड, इधर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि वही आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपका बैंक से लिंक है। तो चलिए हम अपने एक मोबाइल नंबर इधर डाल लेते हैं। देन आप जैसे ही मोबाइल नंबर अपने डाल लेते हैं तो प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। 5 अंक का OTP जाएगा, तो सिंपल से आपको इधर फिल कर देना है। एंड आप जैसे ही अपने OTP को डाल लेते हैं तो सिंपल से आपका जो एक फ़ोनपे एप्लीकेशन वो ओपन हो जाता है। एंड आप जैसे ही अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड, इधर आपको अपने सब परमिशन को इधर आपको अलाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके ये पूछेगा। उसके बाद फ्रेंड आपके ये पूछेगा कि क्या आप अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं। अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको इधर अनेबल टू स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो सिंपल से आपको उधर आई डोंट नॉट लेटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपका जो फोन पे एप्लीकेशन हो इजीली ओपन हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड आपको इधर 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ये फोन पे एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। तो सिंपल फ्रेंड, इधर आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको नीचे साइड में देखने को मिलेगा KYC वाला ऑप्शन। सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड आप देख सकते हैं, प्लीज़ सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। इधर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को एक फिल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, इधर आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप उससे आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल से अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल से आपको इधर चेंज वाला ऑप्शन पर जाकर आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इधर पैन कार्ड है, तो चलिए हम अपने इधर पैन कार्ड नंबर डाल लेते हैं। सो फ्रेंड, आप जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल कर लेते हैं तो सिंपल से आपको इधर देखने को मिलेगा सबमिट वाला ऑप्शन। इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड आपको इधर देखने को मिलेगा आपका भीम UPI वाला ऑप्शन। सिंपल से आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड, इधर आपको अपने बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। सिंपल से आपको इधर ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, जो कि आपका बैंक अकाउंट से लिंक है मोबाइल नंबर, उसी को आपको इधर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो चलिए हम अपने एक बैंक अकाउंट इधर से ऐड कर लेते हैं। एंड अगर आपको बैंक अकाउंट आपका देखने को नहीं मिला है तो सिंपल से आपको इधर सर्च बार वाला ऑप्शन देखने को मिले। इस पर आपको एक बार क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट का नाम डाल देना है। तो फ्रेंड, आप जैसे ही अपने बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे पास इधर मैसेज भी आ गए हैं। तो इधर आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड आप देख सकते फ्रेंड, इधर आपको इधर देखने को मिल जाएगा आपका, उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा ये देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आपको इधर प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद फ्रेंड आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड, इधर आपको सिंपल से बैक आ जाना है। बैक आप जैसे ही आते हैं तो जो आपका फोनपे एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। अदरवाइज आपको कोई डाउट है फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उधर कोई से भी रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको नहीं पता है फ्रेंड कि आपको कैसे अपने UPI ID बनाना है या फिर आपको कैसे मनी ट्रांसफर करना है तो मेरे आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे हो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं किसी से नेक्स्ट वीडियो में।